नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। गद्दी और इलाके को लेकर किन्नर समाज के दो ग्रुपों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए खरड़ हाईवे पर जाम लगा दिया। किन्नर समाज ने सड़कों पर उतरकर रोष प्रदर्शन करते हुए कहा कि हमें हमारा हक दो। सिटी एसएचओ अपनी टीम के साथ खरड़ हाईवे पर मौके पर पहुंचे और जैसे तैसे मामला संभाल लिया। सिटी एसएचओ का यह भी कहना है कि किन्नरों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान किया और रोड जाम के कारण आम लोगों को दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। किन्नर समाज की ओर से प्रशासन के साथ बदतमीजी की गई। एसएचओ का यह भी कहना है कि हमने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की पर ये प्रशासन को ही अपशब्द बोलने में लगे हैं, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। खरड़ से हमारे संवाददाता अमित पंडित की रिपोर्ट। एक मिनट भाजी, दोबारा बोले भाजी। अपना भाजी, मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है, मैं पूरे खरड़ लोकल टैक्सी स्टैंड तो हूँ। अपने मार्केट में शाहबाद पहुंचना चाहिए, हूँ बंद एमरजेंसी दाग लाने, इन्हें वजह करके जान नहीं हो रहा, काम लेट हो गया। तुम कितों आ रहे थे, कितने जाना भाजी? मैं बाजार में चारे पास तो मैं टोटली रोड बंद करे, मैं खानपुर जाना, खानपुर चक के मैं शाहबाद जाना। मजबूर होके अज यह धरना लगाया होया है कि सारे जजमाना सब नु पता लगे कि साढ़े ते रोज रोज जेड़े क्या बोलते हैं हमले हो रहे हैं, साडा कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। इसलिए साड़ी यही मांग है कि साढ़े से इंसाफ साढ़े इंसाफ हो गए और दे रही थी। उसके बाद हमारे कुछ बंदों ने कंप्लेंट करी पुलिस वालों को। पुलिस वालों ने कंप्लेंट लेने के बाद साथ आ रहे थे, साथ आते आते वो आए नहीं, हमारे हिजड़ों को रास्ते में रोक दिया। हाँ, वो खुद कहीं और चले गए। पुलिस वाले कहते कोई स्ट्राइक चल रही है, हम वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद हमारे हक में कोई बोलने वाला नहीं था। जब हमने आके खेड़ में पुल के नीचे आके धरना दिया, धरना देने के बावजूद पुलिस ने हमारे ही हिजड़ों को उठा लिया, ले जाके थाने में डाल दिया। ये कोई बात नहीं है, हक ईमान की बात करनी चाहिए। थाने में बैठाया हुआ है, मेरी बात सुनिए, कोई कसूर हमने थोड़ा ही किया है, जिन्होंने कसूर किया है। जैसे हम एक धरना प्रदर्शन करते हैं, जैसे आपने हाईवे को जाम किया है, हाँ जी, नेशनल हाईवे को आप जाम नहीं कर सकते हैं, तो इस पर आपने ये चीज़ नहीं, 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 ये भी एक मजबूरी होती है ना। जब हमारी कोई बात ही नहीं सुन रहा, जब हमारे साथ हमारे हक में कोई बात नहीं करेगा, तो हिजड़े क्या करेंगे? आखिरकार में धरना इसीलिए दिया जाता है ना, किसी भी तोट का कोई फैसला मिले हमें। जब हमें को हमारा फैसला ही नहीं होएगा तो हम क्या करेंगे? धरना नहीं देंगे तो क्या करेंगे? सिर से वार कर दिया उन्होंने, फायरिंग करी, अगर बंदे की गोली लग जाती तो कौन? ये तो नहीं, नहीं, ये तो शरेआम गुंडागर्दी हो गई ना। इतनी ज्यादा गुंडागर्दी भी नहीं होनी चाहिए। हमारी गली पाक साफ है, हम अपनी गली में अपने तरीके से घूम रहे हैं, तो हमने हमारे पास तो कोई ऐसी चीजें नहीं थी, डिग्री लेके नहीं, हमारे पास तो कोई डंडे नहीं थे, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं था, उनके पास तो थे ना, हमारी गली थी तो हम क्यों अपनी गली में ले? और पांच बंदे क्या कर सकते हैं उनके सामने? हम अपने इलाके में बंदूकें लेके क्या करेंगे साथ में? हम बधाई लेने गए हैं, बंदूकें लेके जाएंगे। हाँ जी, अभी 123 च गए थे जी बधाई लैन वास्ते। हाँ जी, तो बधाई लैने साढ़े मानता अंदर से, अभी बाहर गाड़ी के नीचे उतर के बाहर खड़े हो गए। उनकियाँ ज्योति दियाँ चार पाँच गड्डियाँ आईया जी, बदमाशा लै के मुंडिया उन्होंने को राठ भी फड़े थे, तलवारा भी सगिया, पिस्तौल भी सके, उन्होंने फायर भी किए जी उत्थे सानू, अभी तो भज के बचे जी, फिर भी उन्होंने टा लिया मैनू। फायरिंग किस तरह की? हवाई फायरिंग या की? सामने से उन्होंने मतलब थले कर दी लत्त, रुकेंगे
तो मैं तो फिर गिर गया जी, उसे खड्डा से अगे खड्डे मैं गिर गया, उन्होंने आके हमला करता। हुआ कहाँ पर है ये? जलवाई टावर अपना सनी इनकलेब आ 123 सेक्टर आ, जलवाई टावर के पिछे बैक साइड च। हाँ जी, कितने लोग थे आप लोग? हम तो जी 3 जाने थे, एक लड़का था मेरे साथ, एक ये था, एक मैं था। आप पहचानते हो लोगों को जिन्होंने हमला किया? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ज्योति के बंदे है जी, उन ज्योति वो मनीक्षा मानते हैं जरा गए, उन्हें गड्डी जो उतरते हैं कहता फट दो, ऐसे बोला मनीषा ने आके। हाँ वो के पकड़ो इन्हें, इनको पकड़ लो, इनके ऊपर अटैक कर दिया अचानक से, बंदे के ऊपर अटैक हो जाए पता क्यों लगता है। तो बाकी मानता था अपने अंदर सी गए, जजमान ने ऊपर बंद कर रखा था जी, हम ऊपर बंद हो गए, जजमान बोले उनके कर पाने हैं। हाँ जी, हाँ जी, जिनके हम बधाई ले रहे थे ऊपर, तो उन्होंने कहा करपाने हैं आप बाबा जी नीचे मत जाइए नहीं तो आपको मार देंगे, करपाने हैं, पिस्टल हैं, तलवारें हैं बहुत ज़्यादा उनके पास में, और बहुत ज़्यादा मुंडे हैं तुम्हारे, वो ढोलक वालों को उन्होंने पकड़ लिया, बहुत मार रहे हैं, ये जान छोड़ा के भागे, फायर भी उन्होंने करी बहुत ज़्यादा, वो भी लड़का एक हमारा बच गया, और वहाँ पर दरवाज़ा भी उन्होंने लाते उते मारी, मनीषा डांसर ने गे जो हैगा मनीत, उसने जजमान की बहुत दरवाज़ा तोड़ के आया बहुत ज़्यादा। उनके कितने लोग थे? उनके करीब थे, करीब 30-35 लोग थे, वो 30-35 लोग थे, 4 गाड़ियों के अंदर थे, 5वीं मनीषा की गाड़ी थी। तो हमने पुलिस आपने कार्रवाई के लिए पुलिस को हमने कार्रवाई करी तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, दो पुलिस दिख चुकी है, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे हमने वेट करा, पुलिस हमारे पास नहीं आई, फिर जजमान ने पुलिस को फ़ोन करके बहुत मुश्किल को बुलाया, पुलिस ने जजमान जो थे उन्होंने बुलाया प्रेशर डाल के, मतलब कहीं कहीं फ़ोन करे। अच्छा। तो पुलिस आई हमारे पास और जो हमारे हिजड़े किन्नर तानिया पुलिस लाने लगे, उनके साथ आने लगे, इन्होंने बस स्टैंड के पास में इन्होंने गाड़ी वहाँ घुमा दी कुरारी रोड पे, बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, तो हार के फिर मजबूर होके धरना दिया हम लोगों ने, धरना दिया। तो उन्होंने जजमान बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें बचाया, उन्होंने पुलिस बुलाई, हम उनके अभागी हैं, वो राजी रहे, परमात्मा उनको अच्छा रखे। पुलिस ने खैड़ वाली कोई कार्रवाई नहीं करती है, बिक रखी है ये मलिक राजेश के हाथों, ये ज्योति डांसर के हाथों, ये बिक रखी है, इतनी गुंडागर्दी पुलिस की मौजूदगी में, हम तो बहुत परेशान हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हम बहुत बहुत बचे हैं। मुश्किल से मारा जाता, कौन जिम्मेवार? मां जी इतना आज एक मामला सामने आया है, उच्चे से बोलो। आज प्रोटेस्ट हुआ है तो वहाँ पे प्रोटेस्ट में जो स्किनर समाज है तो उन्होंने आपको एलिगेशन लगाया है कि जो भी हमले उमले होते हैं वो आप करवा रहे हो। देखो ऐसे है, जो पूजा डांसर है जी, वो है सहारनपुर का रहने वाला, गुप्त अंग भंग करा रखा है उसने, जितने भी साथ में ले रहा सबके गुप्त भंग है, और किसी लड़के का उसने गुप्त भंग कराता सी, तो मैं ओदी चश्मोदी गवाह हूँ कोर्ट के अंदर, तो मैं गवाही दीती भी है, इनको सजा हुई भी है 3 साल की, जीत रानी को 4 साल की, पूजा को सजा हुई भी है, ठीक है जी। तो जब से जमानत पर आए हैं, अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो मेरे को एक धमकी देते हैं, या तो मैं अपना केस वापस लेने में तुम्हें मरवा दूंगा। मेरे चेले बाहर जाते हैं खाने कमाने के लिए एरिए के अंदर, उनको पर ये हमले करवाता है, ये 5वां हमला कराया इसने मेरे चेलों के ऊपर, आगे इसके 4-5 पर्चे कटे पड़े हैं। तो अभी अभी जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया है वो प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, उनका आरोप है कि वहाँ बधाई मांगने गए थे तो बधाई पर हमला हुआ उनके ऊपर। हम मेरे बंदों पर हमला हुआ है, उनके उन पर नहीं हमला हुआ, जो पूजा है वो गुंडा है, गुंडा किस्म का बदमाश रखता है साथ में, अभी पीछे से अभी हमला हुआ था हमारा, इसमें क्या बोलते हैं TDI में, हमारे पास वीडियो है, सारा कुछ है, पूरे सबूत है। तो ये पूजा जो है अपने बंदों की, आप ही लत्ता तोड़ता, आप ही बावा तोड़ता, आप ही उनको अरेस्ट नहीं करवाता, आप ही उनको जाके उसमें छोड़ देता है, उसमें क्या बोलते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, पैसे दे के डॉक्टर को उनके मेडिकल कराता है, ठीक है जी। हमारे पे झूठा आरोप लगाता है, उसके सारे आरोप झूठे, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। मान लीजिए जैसे आज बधाई लेने गए थे वो आपके बंदे थे कि उनके थे, उन्होंने कहा कि हमारे बंदे को बधाई लेते हुए हमला करवाया? वो मेरा इलाका है, मेरा इलाका सनीन कले पड़ता है 125 हेक्टर, मैं मालक हूँ उस एरिए की। मेरे चेले जब खाने को माने जाते हैं, मेरे किसी भी एरिए में खाने को माने मेरे चेले जाते हैं, तो पूजा डांसर उर्फ साकिर सहारनपुर का रहने वाला लड़का, वो सेक चेंज करा के रेड़ा बना फिर रहा है, ठीक है ना, वो मेरे पे झूठे रोप लगा रहा है, वही बदमाश लेके आता है, वो अपने चेलों के लता बाबा तोड़ के उनको हमें बदनाम करने के लिए, हमारी लाइफ बिगाड़ने के लिए, वो झूठा हमें नाम लेता है हमारा, हमें भी गुमराह कर रहा और पुलिस को भी गुमराह कर रहा। गोलियां चलाई जिते फायरिंग हुई है, कट्टे भी सी इन्होंने कोले, गड्डी उनके कहने से क्या होता है, उनके कहने से क्या होता है, इस बात का पुलिस तहकीकात करेगी, ठीक है ना। दूध का दूध, पानी का पानी,
खैर 125 सेक्टर में जब किसके घर में बधाई मांगने गए थे वहाँ पे हमला हुआ और सीसीटीवी नहीं उधर से मेरे चेले भी बधाई मांगने गए, मैंने मेरे चेलों के ऊपर हमला करा, उन्होंने 5 हमले कर लिए पूजा डांसर ने मेरे चेलों के ऊपर। आज की बात कर रही हूँ आज भी हमला हमारे ऊपर करवाया और इससे पहले भी हमला करवाया, पिछले महीने भी हमला करवाया, इनके पर्चे इनकी FIR कटी पड़ी है बलोंगी थाने में जाके देखो। हाँ मैंने अपने चेलों को भेजा उसी टाइम जब इन्होंने उनके ऊपर हमला करा, जब वो DSP मैडम के पास गए मगर जाओ कंप्लेंट लिखा के आओ मैं तुम्हारे साथ ये वारदात हुई है। महंत जी उनके कुछ लोग अस्पताल में दाखिल हैं और उनके शरीर पे कई चोट के निशान हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये हमला ज्योति महंत द्वारा कराया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल झूठ बोलता है, पूजा ने अपने बंदों की लात उड़वाई, उनको मारा, उनके चोटें लगाई, ये सब पूजा साजिश कर रहा है हमें बदनाम करने के लिए, पुलिस को भी गुमराह कर रहा है और मीडिया वालों को भी गुमराह कर रहा है, हमें भी गुमराह कर रहा है। पूजा डांसर एक गुंडा किस्म का है और गुंडों के साथ रहता है। गोली चलने की भी बात कही जा रही है। कोई गोली नहीं चली इस बात की, मैं तो देखो घर में रहती हूँ, मैं तो साथ में नहीं गई, पर गोली नहीं चली, गोली चलती पुलिस सुबह से तहकीकात कर रही है वहाँ पे। वो झूठ बोलता है, उसके सारे झूठे आरोप हैं। हमने कहा पूजा डांसर है उसका नाम, पूजा डांसर हुर्प साकिर सहानपुर का रहने वाला, ठीक है, सेक्स चेंज करा के खुसरा बना फिरदा। देखो हमने कहा भी उसके अपने बदमाश हैं, उसके अपने बंदे हैं पूजा डांसर के, अपने चेलों की कुटाई करवाता है उनसे, हमारे ऊपर केस बनाने के लिए हमें बदनाम करना चाहता है, गुमराह कर रहा है। मैं कहती हूँ बस सख्त से सख्त जो भी कार्रवाई बने पूजा डांसर के ऊपर, मेरी प्रशासन पुलिस से यही अरदास है और यही मेरी वो है उनसे, ठीक है, पुलिस यही मेरा कहना है पुलिस से, उनसे मेरी अरदास है, उन पर बनती सख्त कार्रवाई की जावे पूजा डांसर के ऊपर। पुलिस ने उनके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है धरना प्रदर्शन और लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? अगर वो बदमाशी करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनके पर्चे ही कटेंगे और उससे पहले उनके पर्चे कटे हुए हैं, जो भी वो बोल रहे हैं उनकी सब झूठी कहानी है, पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, बीडीओ गुमराह कर रहे हैं, हमें गुमराह कर रहे हैं, उनके अपने गुंडे, उनके अपने बदमाश हैं। जो उन्होंने आरोप लगाया है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वो सारे आरोप में उनके खारिज करती हूँ, सब झूठे आरोप हैं उनके। मान जी जो हर बार लड़ाई हो जाती है ये किसके पीछे लड़ाई है जो हर बार? यो इसके पीछे हमने कहा जो पूजा डांसर है उर्फ साकिर है, इसको 4 साल की सजा सुनाई हुई है मोहाली कोर्ट ने, हम गवाह हैं, इसने किसी लड़के का गुप्तंग भंग कर दिता सी, मतलब इसी के पीछे लड़ाई है। इसके पीछे हम गवाह हैं, वो कहता अपनी गवाही वापस ले लो, जहाँ एरियो तुम मिलोगे हमें तुम्हें तुम्हें मारूंगा, तो मैं तो इलाके में जाती हूँ, मेरे चेले मिलते हैं, उन पर हमला कराता है वो, ठीक है। बंदों का फोन आया कि 30-35 जने आकर इन पर अचानक से हमला कर दिया, ये लोग शादी की बधाई लेने गए हुए थे, वो 30-35 जने जो मनीषा है ज्योति का चेला जो बन रहा है आजकल, वो गुंडे लेके आए उनके पास, देसी कट्टे थे, उन्होंने हवा में फायरिंग की है और आप CCTV फुटेज भी निकलवा सकते हैं बस, और पुलिस हमारी एक सुनवाई नहीं कर रही है, एक भी सुनवाई नहीं कर रही है पुलिस हमारी, बिल्कुल पैसा खा चुके, पर्स ले गए और जी इनके दो फोन ले गए, ATM कार्ड सब गायब है हमारा, बिल्कुल लूट चुके हमारे बंदे, तोड़ फोड़ दिए, पुलिस एक बार भी सुनवाई नहीं कर रही है। बहुत जी मेरा नाम माही है। आप पूजा महंत की? हाँ जी मैं पूजा महंत की जी की चेली हूँ, ठीक है जी, तो उन्होंने देख लो हमारे साथ क्या क्या कर दिया, बस प्लीज। ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 130 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਉਡਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਮਾਨਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 9 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਮ ਲਗਾਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਜਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗੇ, ਐਸ਼ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਮਾੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਔਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ FIR ਲੌਜ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ 127 ਸੈਕਟਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ।